पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। पागबड़ा थाना क्षेत्र में हाईवे पर खड़े पिकअप वाहन में पीछे से आ रही बस टकरा कर पलट गई। इस हादसे में सिपाही समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन को पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के दौरान रोक रखा था। हादसे के बाद चेकिंग कर रहे इनोवा सवार पुलिसकर्मी मौके से भाग निकले। सूचना मिलने पर पहुंची मझोला और पागबड़ा थाने की पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस अफसरों का कहना है कि ये भी जांच कराई जा रही है कि चेकिंग करने वाली टीम संभागीय परिवहन से थी या फिर पुलिस विभाग से। जैसे कि हम लोग आए हुए थे जंगल घूमने के लिए, अचानक हमने सुनी कोई आवाज़ की कुछ हुआ, तो पता चला कि यहाँ के कुछ पुलिस चेकिंग कर रही थी यहाँ पर। तो एक छोटा हाथी जा रहा था मैजिक, उसे रोकने के चक्कर में रोका उन्होंने, तो शायद उन्होंने स्पीड कम करी, पीछे से बस आ रही थी जो कि बस उसमें लग गई और लगने के बाद पलट गई। जैसे यहाँ पर चीख पुकार मची, हम लोग गाँव के और भी पड़ोस के गाँव के ग्रामीण दौड़े यहाँ पर, देखा तो यहाँ पर कम से कम 15-20 से लोग घायल थे और 4 डेथ हो चुकी हैं। ये बीच हाईवे है, दिल्ली से रामपुर की तरफ जाने वाली जो रोड है, इस पे एक बस और एक पिकअप पलट गई है। इसमें 5 लोगों की मृत्यु होने की बात अभी तक आई है और बाकी जो जितने घायल हैं सभी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है, उपचाराधीन है। इसमें जो भी जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।